हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सरकारें बदली, नेता व अधिकारी बदले, नहीं बदले बेजुबान पशु गौ माता सहित पशु पक्षियों के हालात। मीणा पालड़ी एम गणकेश्वर रोड स्थित घायल अवस्था में एक वानर के पड़े मिलने की सूचना मिलने पर ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा पशु एम्बुलेंस के अभाव में स्वयं की मोटरसाइकिल के माध्यम से घटना स्थल पर पहुँच कर देखा गया। वानर के हालत गंभीर थे, उसे इलाज की सख्त आवश्यकता थी। गणेश मीणा, प्रेमा राम, रतन कुमार, रमेश, लक्ष्मी, जशोदा सहित अन्य गौ भक्त नन्हे मुन्ने कार्यकर्ताओं की मदद से रेस्क्यू कर मोटरसाइकिल के माध्यम से पीपल फॉर एनिमल पहुंचाया गया। सिरोही बाद उपचार शुरू कर उसे फल, सब्जी व रोटी दी गई। अध्यक्ष मीणा ने बताया कि जिले में पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होने से कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क हादसों में रोजाना पशु घायल होते हैं तथा खुरपका मुंहपका बीमारी से पीड़ित पशु लहूलुहान हालत में पैरों में कीड़े पड़े हुए घायल पड़े रहते हैं कि जानकारी ग्रामीणों द्वारा जैसे ही मिलती है हम स्वयं कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचकर किराए के वाहन के माध्यम से घायलों को अस्पताल गौशाला पहुंचाकर उपचार करवाते हैं। लेकिन सरकार टोल प्रशासन द्वारा अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी या नहीं। वहीं उन्होंने बताया कि पशु एम्बुलेंस वाहन उपखंड स्तरीय लगाया जाए, फोर लाइन हाईवे पर सड़क बीचों बीच लोहे की जाली के लगवाने की मांग के साथ ही पशु कंपाउंडर ताकि समय पर घायल पशुओं को गौशाला पशु चिकित्सालय ले जाकर उपचार कराया जा सके। गौरतलब है कि लंबे समय से गौ भक्तों व ग्रामीणों के मांग रखे जाने के बावजूद भी पशु एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं होना जिले में भी नहीं प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। इधर पोसालिया गांव में खुरपका मुंहपका बीमारी से पीड़ित लहूलुहान हालत में चार घायल नंदियों का गौ भक्त कैलाश माली सहित अन्य गौ भक्तों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें काबू में कर पशु चिकित्सालय टीम द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। वहीं मीणा ने बताया कि मैं मीडिया बंधुओं का आभार व्यक्त करता हूं कि अभी काफी लोग जागरूक हुए हैं। हम घायल पशुओं को कहीं सड़क पर या गांव पर पड़ा नहीं रहने देते, उपचार कैसे भी करके करवा देते हैं और गौशाला भी भेज देते हैं। पशु एम्बुलेंस के अभाव में ओम श्री गजानंद सेवा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न जगहों पर कार्यकर्ताओं द्वारा आम जन को जागरूक करते हुए पशुओं की सेवा के लिए आने के लिए समझाया जा रहा है ताकि पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध होने तक साधारण घायल पशुओं को गाँव में रखकर ही उपचार शुरू करवाया जा सके। इस वक्त गौ माता की स्थिति बहुत खराब चल रही है। सरकारें बदल रही है, नेता व अधिकारी बदल रहे हैं, पर बदल नहीं रहे बेजुबान पशु गौ माता के हालात। फिर वही कहावत, कौन सुनेगा किसको सुनाए, इसीलिए चुप रहते हैं। जागरूक टीवी के पोसाले से कल्पना मालिक की रिपोर्ट।